हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो गाइस, आज मेरे किचन में बना है शामी कबाब। तो चलिए मैं आप सबके साथ फटाफट से उसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो शामी कबाब बनाने के लिए हमें चाहिए एक प्याज, और उसके साथ ही हमें चाहिए थोड़ा सी अदरक, थोड़ा सी लहसुन, और यह है कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा साबुत धनिया, थोड़ा साबुत जीरा और हरी मिर्चें। और उसके साथ ही मैंने लिया है यहाँ पर कीमा। कीमा आप चिकन का भी ले सकते हैं, मटन का भी ले सकते हैं, और साथ में चने की दाल, गरम मसाला, नमक। मैंने एक वैसे ले लिया, उसमें मैंने कीमे को ऐड किया है, नमक डाला है। अब मैं उसमें ऐड कर रही हूँ गरम मसाले का पाउडर, और साथ ही मैं अभी इसमें जाएगा मेरा चने की दाल। चने की दाल को मैंने ऑलरेडी धो के भिगो के रख दिया था, और इसके साथ ही हमने बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स डाल देने हैं, जैसे कि साबुत धनिया, जीरा, कश्मीरी लाल मिर्च, हरी मिर्चें, अदरक, लहसुन और प्याज। और हमें इसे हाई फ्लेम में गैस पर रख देना है। अब हमें इसे जब तक हाई फ्लेम में रखना है जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता, और एक बार अगर उसमें उबाल आ जाता है फिर हमें उसे ढककर स्लो फ्लेम में ही उसे पकने देना है। एक चीज़ का ये ध्यान रखना है, हमें इसे ओकेशनली स्टर करते रहना है, और हमें इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बस हमें इसे स्लो फ्लेम में अच्छे से पकने देना है। अब जैसे ये पक जाए तो इसे ठंडा करके हमें एक पीस लेना है। मैंने इसे ऑलरेडी ग्राइंड करके रख लिया है, तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी एक बड़ा सा एग। तो ये मैंने इसमें ऐड किया एक बड़ा सा एग, और इसी में साथ में ऐड करूँगी थोड़े से हरी धनिया। इससे ये होगा कि इसमें अच्छा सा फ्लेवर एनहांस हो जाएगा और थोड़ी सी क्रिस्पनेस आ जाएंगी, और हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बस हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा बैटर बहुत रनी नहीं होना चाहिए, बस इतना ठीक रहना चाहिए कि हम उसे एक बॉल का फॉर्म दे सके और अल्टीमेटली एक टिक्की का। तो मैंने इसी तरह अपने सारे टिक्कियों को रेडी कर लिया है, और साथ ही में मैंने साइड में घी गर्म करने रख दिया। मैंने इस रेसिपी में घी में इसे फ्राई किया, अगर आप चाहें तो आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए गाइस, मेरा घी गर्म हो चुका था, तो मैंने इसमें अपने टिक्कियों को डाल दिया है। अब मुझे इसे एक साइड पे तब तक कुक करना जब तक कि अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। तो ये देखिए मेरे गोल्डन ब्राउन होने लगे हैं, और मैं इसे अभी पलटा रही हूँ। ओके गाइस, तो मुझे यहाँ एक अनाउंसमेंट ये करना था कि मैंने अपने चैनल का नाम चेंज कर दिया है। पहले मेरा चैनल का नाम फन विद नेम हुआ करता था, अब मैंने उसका नाम आफ्रीन्स किचन रूटीन रख दिया है, ताकि मैं आप सबके साथ अपने किचन रूटीन को शेयर कर सकूँ। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं ज़रूर आपके साथ सब कुछ शेयर करूँ। रोज़ तो नई डिशेज ऑब्वियसली नहीं बनती हैं, बट जब भी बनेंगी और मुझे ऐसा लगेगा कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए तो मैं डेफिनेटली शेयर करूँगी। और एक और चीज़ का ये ध्यान रखना है कि आपको ये रेसिपी ट्राई करते वक्त आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स का ध्यान रखना है, प्रॉपर मेजरमेंट्स का भी। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ मेंशन कर दूंगी, तो ज़रूर रिफ़र करें और इसे ज़रूर ट्राई करें। डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ 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 डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप सपोर्टिंग। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।